हमारे जो भी इससे पहले हम वोट देते ही रहे हैं तो वोट हमारा हक है, गवर्नमेंट को इसका ज़ाया नहीं करना है, ये देते ही हैं। लेकिन पहली बार जो आते हैं जनाब, तो इधर नज़र गरीब लोगों को कोई भी नहीं देता है, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं हम। कौन? हमारी नई रोड है, नई पानी है हमारे को, नई बिजली पावर है, नई अस्पताल है और नई स्टोर है जनाब। बहुत बढ़िया दिखते हैं इन चीज़ों की, ये दिखते हैं हमारी दूर होनी चाहिए। जो वोट है ये तो हमारा हक है गवर्नमेंट को देना, और गवर्नमेंट का हमारे पर नज़र रखना बहुत बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो भी आता है हमारा माइंदा, अपने लिए हो गया काम तो दोबारा यहाँ नज़र देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे हेल्थ की सुविधाएं मिलती हैं कि उस तरह से नहीं मिल पाती? जनाब उस तरह से हमें क्या सुविधा, यहाँ गरीब लोग हैं जो, हमारे कोई मजदूरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है हमारा, तो फौज के साथ कोई महीना दो महीने काम मिल गया तो मिल गया, और तो कोई धंधा नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। नरेगा का कुछ काम आया साल में आ गया थोड़ा बहुत, किसी को वो भी, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, सालों के हिसाब से ऐसे ही हो जाता है। महकमे की कोई बात नहीं है, महकमा देता है लेकिन पैसा काम करते हैं पीछे से, कहीं आउट हो जाता है, हमें पूरा वो मजदूरी भी नहीं मिलती, नहीं मिलती। महकमा देता है, महकमे का कोई वो नहीं है, वो बेचारे देते हैं काम हमारे देते हैं, मुलाजमीन हमारे जो है वो अपने डिप्टियों पर आते हैं, ठीक ठाक है मामला, ऐसा कोई मामला नहीं है। लीडर्स यहाँ पे आए मिलने के लिए आप लोगों से बात? जनाब आए, कुछ आए हमारे से बातचीत किया उन्होंने, लेकिन खाली बात ही चीत किया तो और हमारा मुतालबे जो हल, तो कोई वादा किया है आप लोगों से? नहीं जनाब, अभी तक तो कोई वादा नहीं किया किसी ने, नहीं जनाब, कोई पार्टी भी आई है कुछ नहीं बोला किसी ने आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी बात रखी कि हमें क्या? हाँ बिल्कुल, हम वोट का देंगे सर। आपने क्या क्या बताया उन लोगों को, क्या क्या हमें? बस सीधी जैसे जनाब खड़े हैं सामने ऐसा उनको बोला, हाँ भाई हमारा हक है वोट देना आपको, आगे आपकी मर्जी, जो जीतेगा तो क्या करेगा हमारे साथ क्या नहीं करेगा। जरूरतें हैं जनाब ऐसी जो हम वोट देते हैं, हम 5 साल आज मतलब आज देंगे वोट, हमको हमको दिखाएंगे भाई आपको रोड मिलेगा, आपको बिजली की फैसिलिटी होगी, सब कुछ होगा, मिलता कुछ भी नहीं है। फिर 5 साल तक कोई भी यहाँ हमारे इस इलाके में नहीं आए। हमारे 3 गांव हैं यहाँ से ऊपर, भगवान गांव है, टूटी आजी है, ग्रामा है, उनको बिल्कुल रोड नहीं है। वो जहाँ वो अगर कोई बीमार पड़ गया वहाँ उधर चारपाई इलाके पे उठा के लाना पड़ता है इधर, क्यों गाड़ी नहीं, हमको यहाँ से गाड़ी मिलता है, यहाँ से हम उनको देंगे 1500 रुपये देंगे तो वो हमें टंगडार में छोड़ेंगे जाकर। तो यहाँ हॉस्पिटल है जी, वहाँ हॉस्पिटल है, तो इधर है हमारी इधर एक मुलाजिम छोटा सा है मुलाजिम, दवाई नहीं है कुछ नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा, वो तो अपनी ड्यूटी देता है तो, लेकिन दवाई नहीं है कुछ, तो हमें बहुत प्रॉब्लम है। ये देखो रोड की हमारी हालात देखो, बिजली है 520 रुपये किराया देना पड़ता है, 4 घंटे पावर छोड़ते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है हमको, बड़ी देखते हैं। अब इलेक्शन तो आता है, हम वोट देते हैं, ये तो हक हमारा देना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ कुछ भी नहीं होता, हमारे साथ गलत करते हैं। अब आ जाते हैं जो भी आता है बोलते हैं हमको आपको रोड देंगे, बिजली देंगे, मतलब राशन 5-5 केजी राशन मिलता है हमको एक नफर के लिए, तो वो 5 ही केजी खाता है एक महीने में, कुछ नहीं, हमारा बहुत बुरा हालात है, कोई तवज्जो नहीं हमारे पर। वो ये लाश कटा हुआ गाँव है, यहाँ कोई आता ही नहीं, जब जरूरत पड़ती है आपने कुछ ये काम के लिए वोट, आज मान लो वोट का काम है तो आएंगे वोट ले जाएंगे, उसके बाद अगर और कुछ काम होया तो आते हैं, वाकई कोई भी नहीं इस इलाके में, बिल्कुल ये कटा हुआ इलाका है।